जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमलों में शहीद या सुभाष चौधरी की अंतिम यात्रा है। पूरा गांव, सुभाष का परिवार बॉर्डर पर आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद बेटे की अंतिम यात्रा पर बिलख रहा है। आधी रात आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत देने वाले सुभाष के पिता तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो अपने 28 साल के बेटे की अंतिम यात्रा तक नहीं देख पा रहे हैं। बेटा देश के लिए शहीद तो हो गया, लेकिन पीछे अपनी गर्भवती पत्नी और बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़ गया है। आइए आपको एक बार फिर सुभाष के पिता से मिलवाते हैं। खबर सुबह 9:30 बजे। कोई मांगे आपकी सरकार से? आप सरकार से मांग तो समझ नहीं आ रहा है। बच्चे आए छोटे छोटे, रूम के बारे में क्या खाने। शादी को कितने साल हुए सुभाष? सुभाष की शादी 4-5 साल हुई। क्या बच्चे हैं सुभाष? एक बच्चा है और एक बच्चा गर्भवती है। प्रशासन से संबंध कोई अधिकारी यहाँ पहले भी आए आपके पास? पहले नहीं आए, पहले वैसे बोल रहे हैं। आपको इस तरह की मांग सरकार से या किसी नहीं की है? उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले सुभाष 15 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे, और जैसे ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की तो आतंकी हमले बढ़ गए, और फिर एक रात आतंकियों से मुठभेड़ में उन्होंने देश के लिए शहादत दे दी। अब उनकी 1.5 साल की एक बेटी, गर्भवती पत्नी और बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा उनसे हमेशा के लिए छिन गया है। वहीं दूसरी तरफ सुभाष पर पूरा हाथरस और उत्तर प्रदेश गर्व कर रहा है। लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने आए हुए हैं और उनकी जिंदा दिली की कहानी भी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार था, राजपूत था। सुभाष की लास्ट बार कब बात हुई आपसे? लास्ट बार एक दिन पहले हुई थी उसके। कितने बच्चे हैं सुभाष? एक लड़की है 1.5 साल की और एक बच्ची है पेट में 8 महीने का। 2016 में भर्ती हुए थे। व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत ही लगनशील थे। कितनी उम्र थी? 27-28 साल। अच्छा, कितने बच्चे हैं? एक बेटी है, बेटा एक बच्चा पेट में 7-8 महीने का। जम्मू कब गए थे? 7 जुलाई को। लास्ट बार कोई बात हुई? एक दिन पहले बात हुई थी शाम को। कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, बढ़िया चल रही है। ऐसी किसी घर पे बात की उसने, बढ़िया बातचीत चल रही थी। जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से आतंकी हमले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें कई भारतीय सैनिकों ने शहादत दे दी है। News Report India.com